अबरार। बस भाईजन, अब नहीं। लिहाज और प्यार में बहुत कुछ सह लिया है मैंने, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है मैंने, अब और नहीं। और हां, नीनू पर तावीज का इल्जाम लगा रहे थे ना आप सब, उसमें भी भाभी इन्वॉल्व थी, क्योंकि वो तावीज वो उसी के साथ जाकर लाई थी, और ये तावीज रिफत आंटी करती है जो कि भाभी की दोस्त की अम्मी है। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है, सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी। रानिया, क्या हुआ है रानिया, कुछ बताओगी? चली जाए यहां से। चली जाऊंगी, पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या है। कह रही हूं ना, चली जाए। आफरीन, तुम ही संभालो इसको, गुस्से से पागल हो रही है और कुछ बता भी नहीं रही है कि क्या हुआ है। अच्छा मैं करती हूं ना उससे बात, आप परेशान मत हो। अब क्या होगा बताएं, क्या होगा? तुम्हें कहा था ना कि संभल कर चलो, मत दिखाओ इतनी बेसब्री। लेक्चर नहीं सुनना है मुझे, करना क्या है ये बताएं मुझे। फिलहाल तो चुप रहकर देखना होगा कि अबरार और वकार का रिएक्शन क्या होता है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अबरार चाहिए, हर सूरत चाहिए, वरना मैं कुछ कर लूं, और मैं बता रही हूं मैं कर लूं। क्या करोगी तुम? सुसाइड। प्यार में जज्बाती सब होते हैं, लेकिन अपनी जान कोई नहीं लेता। रानिया, कुछ वक्त दो मामलात को समझने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। अबरार, आज आप जल्दी आ गए।